नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? ठीक है, मुझे भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन कहानी सुनने से पहले हम पहले के किए गए व्यंजनों को दोहरा लेते हैं। तो आइए मेरे साथ। क से कबूतर, क क क। ख से खरगोश, ख ख ख। ग से गमला, ग ग ग। घ से घड़ी, ग ग ग। ण से खाली। च से चम्मच, च च च। छ से छतरी, छ छ छ। ज से जहाज, ज ज ज। और जहाज के बाद छ से झुमरी, जिसकी आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं। तो एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था झुमरी। वो अपने मम्मी पापा की रोज बात मानती थी। क्या आप लोग भी मानते हो बात? ठीक है, तो आप भी झुमरी की तरह अच्छे बच्चे हो। तो झुमरी बहुत अच्छी बच्ची थी और वो अपने मम्मी पापा की बहुत सारी बात मानती थी। एक दिन वो स्कूल से घर आ रही थी, तो चलते 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 उसे रास्ते में क्या दिखा? झंडा। नीचे रास्ते में छ छ झंडा पड़ा हुआ था। तो झंडा पड़ा हुआ था, उसने उस झंडे को उठाया और खूब जोर जोर की हवा में लहराया। झ झ झंडा, झ झ झंडा। और वो फिर सीधे सीधे जाने लगी। रास्ते में उसको एक जंगल दिखा जो कि वो रोज देखती थी। आज उसका मन हुआ कि क्यों ना इस जंगल में जाया जाए। तो जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसी, वहां पे उसे क्या दिखा? झरना। झ झ झरना, झ झ झरना। और उसने वहां पे क्या किया? उसने मुंह हाथ धोया और फिर उस पे उसके पास वहां पे उसको एक विशालकाय पेड़ दिखा। विशालकाय पेड़ के नीचे झूला लगा हुआ था। उस झूले में उसने जोर जोर की झूला और अपने झंडे को लहराया। झ झ झूला, झ झ झंडा, झ झ झूला, झ झ झंडा। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर चली गई। तो एक नए इस कहानी से हमने कुछ नए शब्द सीखे हैं। चलिए आइए उनको दोहरा लेते हैं। झ से झुमरी, झ झ झ। झ से झंडा, झ झ झ। झ से झरना, झ झ झ। झ से झूला, झ झ झ। तो बेटा, ये सारे व्यंजन, ये सारे शब्द झ से बने हैं। ठीक है, आज हमने झ से कई सारे शब्द सीखे। ठीक है, अब आइए इनको लिखना सीख भी लेते हैं। तो बेटा, झ कैसे लिखते हैं? ऊपर से एक डंडा खींचा यहाँ पे और गोला बनाया और इसको ई बनाया। पहले ई से इमली आती है ना सबको लिखनी, पहले ई से इमली बनाएंगे। फिर एक रेखा खींचेंगे, लेटी हुई रेखा, छोटी लेटी हुई रेखा। ऊपर से खड़ी रेखा और फिर इसकी छत। ये बन जाएगा व्यंजन झ। क्या बन जाएगा व्यंजन? झ। तो बेटा, आज हमने व्यंजन झ बनाना भी सीखा और उनसे कुछ नए शब्द भी सीखे। अब आप लोग अपने आसपास देखेंगे और ढूंढेंगे झ से कोई भी दो नए शब्द। ठीक है, चलिए इस कक्षा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।